अरे बच्चों थोड़ा सा मैदान रखना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अगल बगल में हट जाओ, मैदान कर दो, उसमें मैदान में कोई बैठेगा नहीं उतना। चुप रहो बच्चों, आप सब प्रेमी चुप रहो। जय डाला
बड़े जोर की धक्कार, इतनी आवाज कहीं भी नहीं है और अब भी उसके पास वैसी आवाज है। तो उसने एक आवाज में अलग अगम लोक की रचना, अगम पुरुष को स्थापित किया एक ही आवाज में, और अलग पुरुष की रचना की और अलग पुरुष को स्थापित कर दिया उसी एक आवाज में। दो आवाजें नहीं निकाली पड़ी एक ही, ऐसी धक्कार। और उसने सतलोक को स्थापित किया तो सतलोक को वहां बैठा दिया, सतपुरुष को बैठा दिया। ये तीनों लोक एक मौज मर्जी से एक रस, बड़े छोटे तो हैं लेकिन एक रस है, और मालिक इसमें तीनों में बैठा हुआ है। बस उस अनामी पुरुष की तो इतनी मर्जी मौज हुई, उसने तो ये विस्तार किया। और सतलोक से बहुत बड़ा अलग हुआ है, जिसमें जिसकी व्याख्या यहां किताबों में कुछ कहने में गिनती भी नहीं आती, उससे भी बड़ा है अगम। और अथा अपार कहे, ये तो न कोई कह सका न कोई कह सकेगा, वह अनामी था। वो जैसे पहले था वैसे अभी है, पहले भी स्वतंत्र था अभी स्वतंत्र, अनाम पहले भी था अभी अनाम, अधाम और अरूप पहले भी था अभी, क्योंकि उसके रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसके धाम की कोई महिमाइश नहीं कर सकता। इसलिए इन किताबों में वो चीजें ही मिलेगी। अब ये तीनों लोग उन्होंने अपनी मौज मर्जी से लक्ष्य दिए, और सत्पुरुष को अलग पुरुष को अगम पुरुष को स्थापित कर दिया। ये छोटे मोटे लोग नहीं है, जिसका कोटान कोट मतलब है कि रोम रोम में प्रकाश, और अलग पुरुष का कहते हैं अरबों अरबों एक एक रोम में प्रकाश सूरज चांद का, और खरबों खरबों जो है वो मतलब एक एक रोम में अगम पुरुष का, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा। और ये तो जो कुछ कहा है इशारा है, एक निशान है, प्रकाश तो और बहुत ज्यादा है। महात्माओं ने खाली एक इशारा संकेत दिया, वहां कुछ हो रहा है, इसलिए कोई उसको कह नहीं सकता, कोई कह सकता है। और ये संतों ने ही इस भेद को खोला है। अब जो कुछ भी मौज मर्जी नीचे की होगी वो सत्पुरुष होगी, सत्पुरुष ना उसमें मौज मर्जी है अलग पुरुष की ना अगम पुरुष की। अनामी पुरुष ने तो जो कुछ भी किया वो कर दिया, और तीनों लोग रच करके और स्थापित कर दिया, उनमें अपने हम कहते हैं मेरा निश्चय। अब सत्पुरुष का जो कुछ होगा तो, और जब ये कितने दिन कितने युग कितने कल कितनी सदियां बीत गई गिनती नहीं, पहले यही था तीनों। अब सत्पुरुष की मर्जी होगी सत्पुरुष की, तो उन्होंने ये सब अपनी आवाज पर खड़ा किया। कल उस देवी ने बताया कि एक एक रोम के अंदर में कितने ब्रह्मांड समाये हुए जिगे नहीं सकते, ऐसा वहां उसने अपनी आंखों से देखा। और जब पूरे को प्राप्त कर लिया तो कह दिया है कि उसमें तो मतलब यह है कि कुछ कोई दाम नहीं, कोई लोग नहीं, लोग अलोक कोई नहीं, वो एक ही है। अब उसने अपनी आंख से देखा तो आपको ये जानना चाहिए कि कितनी उसकी तरफ थी, कितना प्रेम था, कितना रोटी थी चिल्लाती थी वो, ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर ऐसी तरफ हमें हो, ऐसा रोना खाना त्यागना भूख प्यास कुछ नहीं है, तो फिर मालिक तो मिलेगा, क्योंकि जब उसका पता ठिकाना हमको मिल जाएगा, रास्ता हमको मिल जाएगा, तो रास्ते में दरवाजे में बैठ के चिल्लाएंगे तो दया तो कर रही है दरवाजे पर। इससे वो मतलब आत्म वेदना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बड़ा अंगूर भेद है।
निकल के जीव को जाने, तो दया करें कृपा करें तो कुछ समझ में आ गया और किसी किसी ने पा लिया, बाकी लोग नहीं जाते। कितने गए, अरे कितने लोग आए, मनु शरीर को जागरण किया और चले गए ऐसे ही सोचे। अब एक दो कितने आए चले गए, उनकी कोई गिनती है कितने करोड़ चले गए, उनमें से कोई क्योंकि किसी ने जाना ही नहीं कि मेरा घर कहाँ है, मेरा सच्चा मालिक सच्चा पिता कहाँ है। और सतपुरुष ने सोना जब ये सब उन्होंने खाका खड़ा कर दिया, खाका कहते हैं नक्शा, ये खड़ा कर दिया और इसमें कहीं कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं, बस एक बराबर तोला। अब यहां कोई जीव नहीं था, कोई सूरत नहीं थी, कोई पशु नहीं थे, कोई पंछी नहीं थे, कोई आदमी नहीं था, सब खड़ा था। अब ये वास्तव में छाया है, छाया है तभी विकार हो सकती है, सत्य। अब इन सब ने जब देखा उतारा मालिक ने इनको, तो सत पर उतारा नाम पर आवाज पर, उस पर उतार करके ले आए तो देखा है कुछ नहीं। अब क्या करेंगे अकेले वहां रहकर, चलो वापस चले अपने देश में, अपने मालिक के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने निकाल दिया, रच रही थी खीर को निकालो और नई रचना कर दी जाए, तो नई रचना उन्होंने की और इनको निकाल के मार दिया। और इन सबने उस मालिक की घनघोर तपस्या की, यानी ध्यान किया, आराधना की, घनघोर आराधना की है। और कितने युग और कल बीत गए, यह गिनती नहीं की होगी। अब वो मालिक खुश हुआ, तब प्रसन्न हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो सकेगा। बहुत अब संत इधर जब आए जिस जगत में, उन्होंने जब जीवों को जगाने का प्रचार किया, अब जीव तो उनको तपस्या में मिल गए और अपने अपने लोक में उन्होंने मसाला मिला करके और उनको उसमें बैठा के राज कर रहे, सबके राज कर रहे हैं इन जीवों पर। लेकिन ये सबसे छोटा देश है मृत लोग और स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोग, ये छोटा सा देश है। और वो सबसे छोटे बच्चे जो ईश्वर है सतपुरुष के, तो उनको सबसे छोटा राज मिला, बाकी का लोगों का बहुत बड़ा बड़ा है। ऊपर में ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का और बारह और है, उनको बहुत बड़ा बड़ा राज मिला, छोटा राज नहीं है, बहुत बड़ा। ये तो एक बूंद के बराबर, और वो तो बहुत बड़ा बड़ा मिला, उसकी क्या उपमा दी जाए, क्या प्रमाण दिया जाए। लेकिन सबसे छोटे यही है, जिनको ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, जिनको गाठ कहते हैं, श्री जंगल, ये सबसे छोटे हैं। इन जीवात्माओं का भंडार छोटा था, घड़े के बराबर था, वो इनको दे दिया गया और कहा कि मसाला तुम्हारे पास है, वो हमने सब पहले ही तो उतार दिया, सब लोगों ने सब दे तो मैं, तो तुम अपना अपना मसाला अपने देश का मिला करके उनको बैठा दे, बस ये काम है, यहां मसाला मिला। अब उस सब चीज की तरकीब है, तरकीब से, क्योंकि उसकी व्याख्या करें तो बहुत देर लगेगी। लेकिन मसाला जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से मिला के उन्होंने बनाया, और उन्होंने क्या किया कि आद्या महाशक्ति तीन बच्चे पैदा किए, उनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा काम है घड़ा बनाने का, तुम गढ़ा बनाओ। एक से कहा ये गढ़ा मसाला मिला के बनाओ, और जब मसाला मिला के गढ़ा बना दिया तो उन्होंने उस जीवात्मा को उसमें बैठा दिया। जब वो बाहर आए तो उससे कहा इस गढ़े की संभाल करो, इसकी संभाल करो, इसको देखो अच्छी तरह,
तकलीफ ना हो, इस जीवात्मा को रूह को इस सूरत पर तकलीफ ना हो, इसकी संभाल करो। तीसरे को ये कहा। और जब हमारा मसाला ये पुराना हो जाए तो तीसरे से कहा कि तुमको इसको फोड़ दो, फोड़ दो इसको। तो तीसरा मसाला ये मसाला फोड़ देगा क्योंकि पुराना हो गया, अब उसमें जर्जर हो गया, अब वो काम नहीं करेगा। जब पुराना मसाला जर्जर हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को मतलब फिर फोड़ देगा। तो इन तीनों को काम फोड़ दिया गया, अभी अपना वहां बैठ के काम करते रहे। तो इन्होंने सोचा ये सुन ले कि भाई ये जो सब है जब नीचे गए और मनुष्य शरीर में हाथ पर उस मसाले में बैठ गए तो ये तो सबौर पर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जहां जीवात्मा को बैठा है वहां कोई भी पाप पुण्य नहीं है, किसी तरह का कोई पर्दा नहीं, रास्ता जैसे आए वैसे हो जाए। तो रास्ते के दरवाजे कहीं भी किसी भी लोक में बंद रहेंगे, सब आज से अंतर तक खुलेंगे। तो ये जब यहां आए तो सीधे वापस जाने लगे, क्योंकि वो डोरी तो पकड़े थे, जिसको पकड़े थे तो दोनों प्रकार की डोरी थी, एक उधर से जाने की और लेके वो आवाज ऐसी थी लाना ले, एक आवाज ले आ रही है कैसी जा रही है। उनको उतारा 16 बच्चों को, तो उनको एक ही आवाज पर उतार दिया गया, मैंने ले आए वापस लेके जाते, वो आवाज उनको नहीं दी, तो अपनी जगह पर टिके हुए सबके सब अपने स्थानों पर। और इनको जीवात्माओं को उतारा तो इनके लिए कि नीचे जाओ और बुला जाओ, यानी वहां से उतारने का भी और चढ़ाने का भी। तो अब ये जब रास्ते सब खुले थे तो ये सब वापस जाने चले, जैसे मनुष्य शरीर में आए, जैसे मां के गर्भ से बाहर आए, सबके सब योगी विज्ञानी वापस सब वापिस सबको देखते हुए नीचे से लेकर ऊपर जो सब जैसे आए हैं विस्तार जैसे वैसे देखते हुए वैसे देखते हुए। और उनकी आंख बंद नहीं थी, काली बंद थे, नागरी बंद थी, सब दरवाजे सब खुले थे, रोका टोकी थी नहीं, कुछ दरवाजे पर कोई चौकी पर रखा नहीं किसी तरह का, तो ले आए थे गला बनाया और उसमें जीवात्मा को बैठा दिया। और जब इधर आए तो इसलिए कहते हैं संजोग योगी सब क्या इन्हें एक नहीं सब स्त्री पुरुष सब क्या सब परम पद के अधिकारी कोई भी यहां रह नहीं सकता सब वापिस जाए, क्योंकि बंधन तो कुछ यहां है नहीं। एक खेप गई, दो खेप गई, लाखों करोड़ों अरबों खेपे निकल गई, वापिस पहुंच गई अपने देश में जहां से आए थे। और फिर तो इनको फिक्र हुई कि हमने कितने युग तक तप किया, मालिक का ध्यान किया और मालिक हमसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ भी हमसे तुम हमसे मांगो मुंह से वही हम दे देंगे। तो हमने जो मांगा उन्होंने दे दिया, हमको राज दे दिया। तो ये सब चले जाएंगे तो राज किस पर जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। और मालिक फिर उसका ध्यान करें तो कितने युगों तक हो, सोए ना हो, प्रसन्न हो ना हो, अभी तो प्रसन्न हो गया कि तुम्हारे ध्यान से तुम्हारी सेवा से, तुम जो कुछ भी अपने मुंह से मुझसे मांगो वो भी दे देंगे। तो मैंने जो मांगा अब ये सब वापस देंगे, तो हम यहां अकेले रहे। तब उन्होंने ये सब ये सोच विचार करके फिर बंधन लगाया। और ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहा कि तीन को तुम अपने जान तीन यानी अपने अपने अवतार जमीन पर भेजो। तो तीनों को भेजा उन्होंने, तो उन तीनों ने कहा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं। तो तीनों ने कहा कि मैं ब्रह्मा के पास जाता हूं, मैं विष्णु के पास, मैं शिव के पास जाता हूं, उनका दर्शन करता हूं, मैं उनका अवतार हूं, जानती हूं। सीधा सीधा उन्होंने कहा, तो उनसे ये कहा आज्ञा मान सकती थे कि इनसे कहो कि जाकर के तप करो, चले जाओ एकांत में, मैदान में वहां तप करो जाते। तो मैदान में चले गए, वहां इनसे कहा समाधि लगाओ तीनों,
इन्होंने समाधिक 50,000 वर्ष तक खाए, तो दो को तो कुछ नहीं था, वो तो समाधि लगाने में असफल है, कुछ नहीं पाया, उसका कुछ इशारा भी नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा ने जो समाधि लगाई उनको मिला, तो उनको क्या मिला? आवाज सुनाई दी, आत्मा ने कलमा आए थे, वेदवाणी ब्रह्मवाणी ये सुनाई उनको दी। तो उन्होंने कहा देखो तुम हमारी आवाज सुनते हो? कह रहे हाँ हम सुन रहे। तो हम जो बोल रहे हो समझते हो? कि हाँ हम सुन रहे। तो उन्होंने कहा जो हम बोल रहे सुने, तो जो बोलते गए वो लिखते गए। अब बहुत लोग तो कहते हैं कि पेड़ों की छाल पर वो बात नहीं, वो कोई नहीं कहता था, अनुमान तो सब लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लिखा गया वो तो मतलब वही जानते हैं, संतों को तो मालूम है, लेकिन वो कैसे लिखे? 1,00,000 श्लोक बोले, 1,00,000 श्लोक लिख दिए और 4 खंड बना दिए, 4 अलग भाग कर दिए उसको, है 1,00,000 और उसमें और कुछ नहीं, पाप है पुण्य, सत्य है सत्य है, न्याय अन्याय है, दुख है सुख है, स्वर्ग है वैकुंठ है, ये 4 खाने 84 लक्ष्मियां है, नरक है, ये सब को मतलब उन्होंने उसमें लिखा। और उन्होंने लिखा कि भाई जो कुछ भी ये अच्छा बुरा कर्म करेगा तो हमारे देश का ये विधान है, ये कर्म कर्जा आपके ऊपर लदेगा और तुमको हमारे कर्जे को देना पड़ेगा, हम वसूल करेंगे, सीधा सीधा हम वसूल करें, जो पुण्य लोकल ला दोगे उसको वो हम तुमसे वसूल करेंगे, मैं ब्याज के पाप ला दोगे तो मैं ब्याज के। और मैंने उसके लिए 4 खाने 84 लक्ष्मियां ये पशु पंछियों की कीड़ों की जल के जीवों की बनाई, उसमें बंद करके वसूल कर दूंगा। और तुमने भारी अगर कर्म किया कोई गुनाह कोई पाप तो मैं वहां नरकों में ले जाकर दो जग में सजा दूंगा और वहां वसूल कर दूंगा। तो मेरे बनाए विधान को बिगाड़ना नहीं। मैंने कहा तो कितने हजार? 10,000 बोला। उन्होंने प्रचार किया हर आदमी को, क्योंकि नहीं बताएंगे तो लागू नहीं होगा। वो मालिक बैठा जीव आत्माओं का सबका सर्जनहार, तो नाराज हो जाएगा तो सब देख लेंगे, तो इसलिए इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। कायदा कानून बना दिया कि हम तुमको अधिकार देते हैं, ये उन्होंने बनाया कि हम पूरा अधिकार तुमको मृत्युलोक में कर्म करने का देंगे, उसमें हमारी तरफ रोक टोक और आदेश नहीं रहेगा। तो उन्होंने अधिकार दे दिया कि आंख से और मतलब कान से और जिब्बा से और जिब्बाणी से, मन से चित्त से जो चाहो और बुद्धि से जो सोचो जो चाहो, जो भी अच्छा बुरा चाहो तुम्हारी खुशी आ जाती, और किसी को गाली दो, किसी को मारो, चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, और किसी को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, आराम से रखो, आराम से बोलो और सेवा करो, वो तुम्हारे ऊपर। हम उसको सबको लिखेंगे ये पुण्य ये पाप हमारे लिखा जाए। तो सब आपको अधिकार दे दिया, मृत्युओं को पूरा आज भी अधिकार है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा उसी में जो 4 कर्म बढ़ाए कि हमको इतना अधिकार नहीं है जितना हमने मृत्युओं को मनुष्यों को अधिकार दे दिया, इन जीवात्माओं को। हमने इस पर कोई जुल्म नहीं किया, हमने तो 10,000 वर्ष तक ये प्रचार किया कि मृत्युओं का विधान बन गया और ये है पाप और ये पुण्य। तब उन्होंने ये कहा कि काल रूप में सब कर भाई भ्राता, भ्राता कहते हैं भाई, और शुभ और शुभ कर्म फल दाता, मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ, मेरे लिए कोई राजा आदमी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का जात का हो, कोई भी नाम रखा होगा, लेकिन मैं किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, जो तुमने किया है वो हम उसका फल देंगे, पाप का पाप पुण्य का पुण्य, बद का बद नेक कर दिया, ये हमारे देश का। और तुम मत करो, हम कब कहते हैं करो, हम कब आते देते कि तुम ये काम? कुछ नहीं, तुम अपनी सुविधा जो कल्पना हो जो इच्छा हो करो, हमें और तुम ये तुमको मनुष्य शरीर अमूलक दिया, ये दरवाजा इधर किसी महात्मा से मिलना जो जानता है आना जाना वहां,
और तुम उस दरवाजे पर बैठ के मन के पार जाओ, नहीं रोकेंगे, हमको नहीं रोक। लेकिन हमारा जो कर्जा मृतलोक में पाप पुण्य करो वो याद है, तो बगत दिए हुए तुम्हारे छुटकारा नहीं। तो हम इस मालिक जो है जिन्होंने जिनकी जीवात्मा सब है रूह है, अरे सोचते जिनकी सब है वो तो कुछ कहेंगे नहीं कि भाई उन्होंने विधान बना दिया, उनके लिए अधिकार उनको दे दिया, अब वो क्यों इस काम में फंसते हैं, चीजें हैं हमारे पास। मालिक ने जब इनको दिया तो ये कहा था मैं नाम से उतार रहा हूं तुमको, नाम को छोड़ दो, नाम अगर छोड़ दिया तो तुम लोग वहां भटक जाओगे, फिर मेरे पास नहीं आओगे। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम जी जब जागे जोगी, नाम को पकड़ो तुरंत जो पद को प्राप्त हो, देर भी नहीं है ऐसे चुनोगे, ऊपर तो जो जाओगे जाओगे लेकिन ये योग पद प्राप्त करोगे, नाम को पकड़ो कि जिससे नाम आ रहा आवाज निकल रही उसी नाम को पकड़ो, उसके पास फौरन पहुंचो दर्शन करो। ऐसे मतलब ये सुविधा है। तो कलयुग में तो यादगार आपको दिया कि भाई कलयुग में और युग में नहीं, सतयुग तो खत्म हो गया, त्रेता द्वापर आया तो अलग अलग क्रिया सबकी रखी है, त्रेता की अलग है और द्वापर की अलग। और कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल ये जोग न जग न ज्ञान और एक आधार नाम, नाम कलयुग में सब नरनारियों को याद कर दिया कि नाम को पकड़ लो और वापस हो जाओ, तुमको क्या पाप पुण्य करने की जरूरत, तुमको आनंद के और समृद्ध सागर में यानी संपूर्ण सागर में वहां किसी तरह कोई तकलीफ है ही नहीं, उसमें जाना है तो अपना रास्ता पकड़ो, चलो यहाँ कहा प्रदेश में, प्रदेश में नहीं। जैसे आप कहते हो हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, वेतन कर मिलता हमारा गुजारा नहीं होता, तो महाराज हम बाहर चले जाए कहाँ जाओगे, पहले मार बाहर देखो चले जाएंगे और तनख्वाह अच्छी है और मिलेगा तो मेरा चाहोगे। अरे हमने कहा तुम अपने देश में रहते हो वहां कोई गड़बड़ी हो जाए तो बड़ी मुसीबत होगी, हम उसको समझाते हैं तुम्हारा देश में भी अच्छा है, तुम अपना जो कुछ मोहन भाई खाते पीते हो कमाते हो उसी में गुजारा हो जाता है, क्यों लालच करते हो, लालच में मारे जाओगे। तो फिर थोड़े दिन तो चुप रहे, फिर एक महीने के बाद आए महाराज कह दिए, तो हम भी कहेंगे तुम अपनी मर्जी से जाना चाहो तो चले जाओ, हम ये नहीं कहेंगे नहीं तुम कहोगे आपने कहा था तो हम चले गए, तुम्हारी इच्छा है चले जाओ, चले गए वहां जाकर के उनको काम मिल गया, वेतन अच्छा मिला, तो उन्होंने वेतन से इतना भी खर्चा चला यहां भी भेज दिया, कुछ बचाए कुछ बचा भी लिया, कुछ खर्च भी किया, कुछ यहां बच्चों को भेज दिया। अब इस तरह से धीरे धीरे इकट्ठा करते रहे सपोर्ट हो गए, तो उनके लिए मतलब है 10 वर्ष हो गए, अभी बाल बच्चों से नहीं मिले और 10 साल हो गए, तो चिट्ठी की भाई 10 साल हो गए और बहुत दिनों से नहीं मिले और कम से कम बच्चों का इनका उनका दर्शन कर जाओ, दर्शन दे जाओ उधर। तो कहने लगे हमने मकान भी ले लिया है और पैसे भी हमने खजाने में जमा किए, तुमको हर महीने भेजते रहते हैं, थोड़ा और इकट्ठा हो जाए तो ज्यादा लेकर के आएंगे। तब तक वहां एक ऐलान हुआ कि जितने भी विदेशी हैं हमारे देश में रहते हैं सब बाहर चले जाओ 15 दिन में, और कोई खजाने का पैसा नहीं ले जा सकता, मकान रहेगा बेच नहीं सकता, कुछ जो कपड़े पहरे हो जो धन वगैरह जो तुम्हारे पास घर में है मकान में वो नहीं ले जा सकते, सामान जो पहरे हो वही ले जाके अपने देश लौट जाओ। अच्छा मैं आप तो पूछता हूँ क्या करोगे आप, अरे वहां तो ऐलान हो गया कि भाई तुम वापस चले जाओ कुछ ले नहीं जा सकते, अब तुम सोचने लगे अगर पहले बच्चे बुला रहे थे और चले जाते तो बहुत अच्छा था, अब ऐलान हो गया। तब तक 4 दिन के बाद ऐलान हो गया कि जो नहीं अब समय के अंदर जाएगा उसको 10 साल की सजा, तो अब सोचने लगेगा अगर छुप भी जाते, लेकिन किसी ने कह दिया कि देखिए ये है विदेशी और ये छुप गया उसने नाम बदल दिया ये तो 10 साल की सजा हो जाएगी, तो अब क्या करें लाचारी से चले समुद्र के किनारे बता दिया, तो उन्होंने वहां जहाज खड़े, जब वहां गए तो अधिकारियों ने कहा ये कपड़े उतारो, ये कपड़े उतारो, कपड़े उतारवा लिए उनको एक लंगोटी दे दी,
पैर हो और पैर के वो जांच करा तो बैठ जाओ देश पहुंचा दिया जाए। लंगोट इतना कर दिया और लंगोटी पैर करके आए कुछ नहीं। अब उनको बात आई कि बाबा जी ने ठीक कहा, हम अपने देश में रहते कैसे भी रहते कपड़े तो पैरे रहते, कम से कम मोटा क्योटा कम आते गाते लिख रहे, उनको तो हमको नंगा कर दिया, हम कुछ नहीं ले जाते। ये है परदेश, तुम बादशाह बनो, तुम धनी मारी बनो, तुम विद्वान बनो, तुम तुम्हारे सबके हजारों बीघा नहीं लाखों बीघा जमीन है तुम्हारे पास, लेकिन तुम परदेश है। वो तो जैसे ही उसका ऐलान हुआ कि बात मनुष्य शरीर का समय पूरा हो गया, स्वस्थ की पूंजी और उस तरफ से आवाज आई कि तुम तैयार हो जाओ मकान खाली कर तुम्हारे, इतने में हो तो बात सबके घूम हो जाए, वो कुछ नहीं रहे, न वो देख सकता है न सुन सकता है न बोल सकता है न समझ सकता हो। पागल क्या चीज है उसके सामने, जाबाज के सामने अगर हो गया फर्क जमीन पर गिरा तमाम लोग दौड़ पड़े, जो जहां राजा है तो उसको देखने के लिए दौड़ पड़े क्या हो गया क्या हो गया, और धनी मारी तो उसको देखने के लिए कुछ लोग आ गए, गरीब बेचारे को तो है ही, और तो मकान सब सवार रखवा लिया। सुनना देखना बोलना समझना भाषा भूषा जो कुछ भी है सब रुपया पैसा जमीन जायदाद रिश्तेदार कुटुम्ब परिवार बच्चे सब धरवा लिए और नंगा करके आते, परदेश है आपको, ये काल का देश है, आपका देश नहीं कि आटा जमाए हुए जो कहते हैं हमारा हमारा हमारा। मोटी बात आपको समझा रहा हूं, बहुत गहन बात नहीं है, समझदारी की बात है कि परदेश है, ये आपका देश मुश्किलों नहीं है, वो आपको सामने निकाल देता है और आप कुछ नहीं करते। लड़के को निकाल दिया, स्त्री को निकाल दिया, पति को निकाल दिया, बाप को निकाल दिया, चाहे इसको ले जाओ और तुम अपने हाथों से इसको जलाओ और गाड़ो, हमको कुछ नहीं करना है, ले जाओ तो तुमको गाड़ना और जलाना पानी में बहाना है और कुछ नहीं ले जा सकता, कह रहे इसके बाद कुछ नहीं जा सकता कोई चीज नहीं। बस वहां गए तो यहां से तो कपड़े ढके ले गए, वहां बैठा रहता है एक आदमी, अरे उनका बाबू जी ये क्या कर रहे हो, ये मतलब गरीब आदमी है क्यों जला रहे हो, तो हमको तो दूसरा कपड़ा दे देंगे, तो डेढ़ हाथ का कपड़ा दे दिया उसने, वो सब कपड़े उठा लिए और उसी पर लकड़ी पर रख कर जला दिया। अब ये छाया है, अब बताओ तुम्हारी कैसे, न तुम्हारी आते में थी न रहते हुए है और न देखते हुए है और जाते में तुम्हारी नहीं है, हम फिर भी कैसे मेरी है। सोच लो इस बात के लिए अच्छी तरह, मैं कोई गलत बात कहता हूं उसमें मतवा दी, और सच बात है तो मान लीजिए आप परदेश है, आप परदेश है। ये सामान जो आपको दिया है ये सामान है, ये मनुष्य शरीर ये सामान है, पांच तत्वों का मतलब मिश्रित मिला हुआ ये मकान है, ये किराए का मकान है, और वो इतने जो सामान जो दिया है ये सब कुछ जो आप मेहनत करते हो वो इसके लिए, जीवात्मा के लिए इसमें कोई सामान नहीं। अरे जीवात्मा के लिए इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात ये जो कुछ भी होगा ये कुछ नहीं है, ये इसके लिए है, ये इसका सामान है कि भाई तुम इससे हमारी मकान की मरम्मत रखना खराब न होने पाए, इसमें जब तक जीवात्मा रहे तब तक खराब न हो, इसकी मरम्मत करो। और ये जीवात्मा जो बैठी दोनों आंखों के बीचों बीच इसको जगा के अब घर पहुंचा दो, हम तुमको इनकार नहीं करते लेकिन ये मेरा मकान है, मैंने दोनों सामान दिए, ये मकान भी तुमको दिया इसलिए हिफाजत के लिए ये सामान दिया, ये सामान हमारा है, ये मकान भी हमारा है, और तुम अकेले हो जाके ले आए थे इसमें अकेले, तुम आपको जीवात्मा को निकाल के अलग किया और बस सामान जमा दिया, सोना चांदी ये कोई भी आपके साथ ना है आने वाला यहां से उठाया ना वहां जाने वाला, फिर आप पकड़े जैसे बंदर पकड़े होता है ना ऐसे पकड़े, वो जब पकड़ते हैं वो तोता को पकड़ते हैं तो गिर्री ले जाते हैं, गिर्री घूमने वाली ऐसे घूम जाए तो धीरे से लगा देते हैं, तो एक टांग उठाता है और बस उसको पकड़ लेता है और फिर डूब जाता है, लटक गया और चेत
चेचे चेचे लाता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है, वो गिरी घूम जाती है और उतार के ले आया तोता। यही हाल बंदर जैसा, अरे हाथी है वहाँ जंगल में गड्ढा खोद करके उन्होंने मतलब कागज का हाथी बना दिया और गड्ढा खोद दिया और हाथी जाकर मस्ती में जाके जो उस पर एकदम से कूदा रगड़ा लगाया तो कागज तो फट गया, गड्ढे में चढ़ गया। तो बाहर से उसको यानी वो मतलब ये बल्लम मार करके ऐसे धीरे धीरे उसको काबू में करते हैं, बस काबू न चारा देंगे न पानी देंगे, ठीक हो जाए ऐसे काबू में करते हैं। तो आप वैसे मेरा मोह में बदल जाए, लालच में आप बदले आगे तुम्हारा कुछ नहीं। अब ये बात तो तुमको सोच लीजिए, आपकी बात है अभी है किराए के मकान, हमारा भी कोई सामान नहीं, ये हमारा नहीं है, जो सामान है कुछ हमारा नहीं, हमको भी वही छोड़ के जाना। अभी देखो कल शाम को भी जब मैं आया था तो शादी करा रहे पंडित जी, शादी करा रहे थे हमारे स्वामी जी महाराज के बच्चे थे यहाँ, तो हमने कहा अरे पंडित जी शादी करा रहे हैं, और देखो मतलब ये है कि देख लो अभी शादी करा रहे हैं फिर क्या होता है। यहाँ गए थे कुर्सी बैठे रहे इधर अंदर, और यहाँ से उठे वहाँ गए चले चले शरीर छोड़ दिया, इधर देर का काम कुछ क्या ले गए। मतलब ये तो सोचने की चीज है, आप इस पर गौर गहन से विचार करो, क्योंकि बुद्धि तुमको थोड़ा बहुत दूर और पीछे और आगे का सोचने के लिए आपको दी गई है, तो उससे कम से कम सोचने की बात ठीक है। हम भी कहते हैं कि तुम खेती दुकान दफ्तर और ये मजदूरी छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो और बच्चों को छोड़ दो, तो हम नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि समझ तुम्हारा नहीं है, ये इसके लिए दिया गया था, तो मत आप उतना आप करोगे इसकी मरम्मत होती रहे, और आप ज्यादा लालच करोगे तो समझाओगे। अरे भाई किसी चीज को इस्तेमाल करो ये समझ कर कि भाई उसकी चीज खराब भी ना हो, हम इस्तेमाल भी कर लें, तो आपने उसको रोगी बना दिया, यदि शरीर के साथ अति किए तो आपने उसको रोगी बना दिया, आप परेशान अब चिल्ला रहे हो कि मेरा शरीर नहीं है, उसने तो दिया था आपको ठीक ठाक, लेकिन आपने खराब क्यों कर दिया, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप समझते रिमण के लिए पूछते हो। अब ये बताओ जब इन सब चीजों को नहीं समझते हो तो भाजपा जो आते हैं उनको कैसे समझोगे, तो सोचने की चीज है विचार करो। इसलिए महात्माओं की खोज तो कर रही है कि भाई ये तुम्हें सपना नहीं, न कर अपना ना हम यहाँ रह सकते, जब यहाँ रह नहीं सकते हमारा कोई सामान नहीं, कुछ ले नहीं जा सकते, जैसे हम आए वैसे हम नंगे भी। अब वो तुरंत को समझा रहे हैं, तो मानो शरीर की जीवात्मा को महापुरुष समझाते हैं, बहुत भाग से बड़ी मेहनत करते हैं, आपको क्या मालूम कितनी मेहनत करते हैं, अगर किताबों को और उनकी वाणी को सुना जाए तब पता चलता है कितनी मेहनत करते हैं। ये बात साहब इतनी मेहनत नहीं करेगा, तुम घर में रहोगे इतनी मेहनत खेती की नहीं, जितनी मेहनत इन जीवों के साथ वो महापुरुष करते हैं, फिर भी नहीं तुम समझ पाते हो, तो बताओ कितने दिन हो गए आपको छोड़े हुए, अपने देश को कितना भूल गए, देख सब तो तुम भूल गए, न तुमको सुख याद रहा, न शक्ति याद रही, न प्रकाश याद रहा, न ज्ञान याद रहा, समझ गए कोई आनंद नहीं याद, न प्रभु याद रहा कि हमारा सच्चा जो है पिता और हमारा माँ बाप कौन है कुछ नहीं, और यहाँ बंदारी जो आ गया उसी को मानने लगे, वो भी झूठा, न वो तेरा न वो तेरा, तो कैसे महात्मा को जानोगे, तो यहाँ उपदेश कर रहे बहुत महात्मा पुरुषों ने आकर के जीवों को जगाया, और कल देखो आप जगा करके वो औरत को पहुंचा दिया, वो पंडित थे उनको पहुंचाया, वो कबीर पंथी थे उनको पहुंचा दिया, और वो नानक पंथी थे तो उनको पहुंचा दिया, और ये जैन पंथी आए तो उनको पहुंचा सामने, लेकिन ये है कि कितनी मेहनत करते हैं। और सरे आप यही लोग उनको गाली दे रहे हैं, सरे आप ऐसे बदले बदले शब्द कि आदमी पागल भी ऐसे शब्द नहीं बोलेगा, ऐसे भी तो आप उनको गाली देते हैं, और उन्हीं से इनका बना होगा,
सच्चे घर जा रहे हैं, उस सच्चे देश में, सच्चे घर में, उस प्रभु के पास में। उधर वो महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हारी एक बात को ध्यान नहीं देते। तुम चिल्लाते रहो, कुछ भी कहते रहो, लेकिन कुछ नहीं, उनको तो अपना काम करना है कि जीव का किस तरह से भला हो जाए। तो आपको मैं आज एक नजीर सुनाऊंगा, अभी ज्यादा नहीं है, तो 40 वर्ष की बात, अभी आगे यानी अभी उनको हमारे स्वामी जी महाराज ने देखा था, और उनको तो मतलब 52-53 वर्ष 48 में गए थे, इतना समय उनको हो गया, और उनकी मतलब 75 साल की आयु थी। तो वैसे उनके सामने उनको देखा था, अभी तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, आप ये बड़े सुनने की चीज है कि भाई आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या राज चाहते हैं, पाठ चाहते हैं, दंडोलत चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमारे साथ क्यों मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ी जरूरत के साथ जब समझ आए तो जीवात्मा है मनुष्य शरीर में जो है पूछ रही है, जब सुन लीजिए आप, कभी नहीं आपको सुना होगा। स्वामी आप इतनी मेहनत करते हो तो हमको ये बताइए, अपना भेज दीजिए कि आप कौन है, पूछते हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हमारे साथ में, तो आप क्यों मेहनत कर रहे, आप है कौन, यानी कितना ऊंचा प्रश्न करती, आप है कौन, यहां आप आए हैं इतना जगाने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप है कौन, क्या है, बोलो। बात तुम्हारा कौन लोक में आए, तुम कौन मौज में, ये तो बताइए कि आपका लोक कौन है, किस लोक के आप बाती हैं, और यहाँ आए तो किस मौज में आए, क्या इच्छा लेकर के आए, इतनी मेहनत करके जांच करते तो क्यों कर रहे हैं आप, कहाँ रहते हैं आप, ये जो कुछ कह रहे हैं तो आपका लोक होता है, किस देश के बात ही आप, तो ये सब हमको बताइए, वो पूछ रही है, लेकिन बड़ी जिज्ञासा से पूछ रही है, तर्क नहीं है, आप कौन है और फिर किस लोक से आए और किस लिए आए, वो ये पूछती है, बड़ा ऊंचा या छोटा मोटा नहीं बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मुँह। अब ये बताइए कि आपका देश यहाँ से कितनी दूर है, हमने तो यहाँ सब जगह खोजा, मिसलोक में खोजा, यहाँ खोजा, वहाँ खोजा, कोई ऐसा काम नहीं जो हमने पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, सब कुछ किए और सब जगह खोजा, स्वर्ग में भी खोजा और वैकुंठ में भी खोजा, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा। तो यहाँ से ये मिसलोक से आपका देश कितनी दूर है और किस देश के रहने वाले, वो हमको आप बताइए बहुत प्यार से, बड़े गैर शब्दों का प्रयोग है और बहुत श्रद्धा से, श्रद्धा नहीं है। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आई जैसे, अगर मैं आपका देश जो आप कहते हो तो आपका देश में क्यों बिछड़ी और पराए देश में मैं क्यों आई, मुझको यहाँ क्यों भेजा गया, मैंने कौन सा अपराध किया था, ये भी हमको बताइए कि हमने अपना देश क्यों छोड़ा, पराए देश में क्यों क्यों भेजा गया, और आपका देश कितनी दूर है, कहाँ के आप बाती और क्या मौज लेकर के आप आए, वो हमको सब विधि विधान से बताइए। मेरा भेद कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों यहाँ लाई गई, ये और आप अपना भेद
आप किस लोक में रहते हो, मेरा आरोप वो किस लिए आए इस सब मुझे बताइए। तन मन संग पड़ी मैं कब से दुख पायो बहु तक मैं जब से। और वो तुरंत कहती है जो मनुष्य शरीर में की भाई मैं तन में आई यहाँ तरह तरह दुख दिए गए, बहुत दुख उठाए, उठाते उठाते कितने युग बीत गए और आज तक हमको कोई आराम नहीं मिला, या कोई सुख नहीं हमको मिला, दुखी दुख मिला, ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ। बोलो क्या भूली मैं देश तुम्हारा आए पड़ी परदेश। और तुरंत कहती हो कि आपके देश में कैसे भूल गई, और परदेश में आई तो आप यहाँ परदेश को अपना देश बना लिया और आपके देश को भूल गई, तो आप अपना हाल तो बता दीजिए कि आप कौन हैं और क्यों आए हो, कहाँ रहते हो, किस देश में रहते हैं, किस लोक में रहते हैं, ये सब उसका प्रश्न है। पाताल बसो की मृत्यु लोक में स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक। अब कहते हैं मृत्यु लोक में आप रहते हो कि पाताल में रहते हो कि आप स्वर्ग में रहते हो कि वैकुंठ में, कहाँ आप बसते हो, कहाँ से आप आए हो, यहाँ क्यों आए हो, हमारे साथ क्यों मेहनत कर रहे हो, ये सब हमको विधि विधान से बताइए। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में इंद्रपुरी या शिव मुकाम। कहते हैं भाई शिव मुकाम में रहते हो कि इंद्रपुरी में या वैकुंठ धाम में, आप किस किस जगह आप रहते हैं, तो ये हमको सबको बताइए क्योंकि इसने खोजा सब जगह, तो जो वो बता रहे हो नहीं मिला, तो पूछ रही है कि आप इन लोगों में रहते हैं, आप स्वर्ग लोक में, मित्र लोक में, पाताल लोक में, इंद्रपुरी में या शिवपुरी में, कहाँ रहते हैं, किस जगह है, ब्रह्मपुरी में रहते हैं, किस लोक में आप रहते हैं, तो लोग भी अलग अलग है। जैसे स्वर्ग कुंड में 14 भवन है, 14 लोक है, उसमें मुसलमानी शब्दों में कहते हैं 14 तबक, और उसमें सब में अलग अलग बैठ के राज करते हैं, 14 लोकों में अलग अलग है, तो आप किस लोक में हैं, यहाँ कहीं बसते हैं कि और जगह कहीं है, बहुत अच्छी तरह से पूछ रही है, श्रद्धा भाव से। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृत लोक या पुरुष लोक। अब कहते हैं किस लोक में या राम लोक में, क्योंकि राम का भी लोक है, कृष्ण का भी लोक है, वहाँ आप रहते हैं कि मतलब ये है कि पुरुष लोक में रहते हैं या प्रकृति लोक में, किस लोक में रहते हैं, तो हमको ये सब समझाइए, हमको बताइए कि आप किस लोक के बात की। या तुम व्यापक सभी लोक में चार खान चर अचर। अब वो तुरंत मिलती है कि स्वामी क्या आप सब लोगों में व्यापक हैं, यानी चारों खानों में 84 लाख चोनिया नरक है और मनुष्य में मृत लोग में सब जगह व्यापक है, सब जगह या इससे अलग है, ये सब पूछ रही है कि आपका व्यापक रूप है कि इसका अलग रूप है, ये हमको बताइए। बोलो क्यों मोही डाला काल लोक में अति भर माया हर्ष सो। और मुझको काल लोक में आपने डाल दिया और मैं यहाँ अत्यंत ज्यादा दुख में भर गई, भूल गई, अब हमको अपना रास्ता मिलता नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं मिलता, और यहाँ पर दुखी दुख है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है, तो ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, काल के देश में हमको क्यों डाला गया, हमने कौन सा अपराध किया था। बोलो अब क्यों आए मोहि चितावन रूप धरा तुम अति मन भावन। अब तुरंत कहते हैं मनुष्य शरीर में गए स्वामी, आप जब यहाँ आप आए हो इतने दिन के बाद, इतने इतने दुख हमने झेले हैं कितने लोगों से, जब से हम आए तब से आपका पता ही नहीं चला, और अब आप आए हो हमको चिताने जगाने के लिए, अब ये आप आए वैसा हमारे साथ क्यों, काल के देश में ये यहाँ सामान दीजिए वहाँ दीजिए सब पता दिया और हमारे ऊपर कर्जा ला दिया और फिर उसको वसूल कर रहे हमको मार रहे
और चिल्ला रहे हमारी कोई सुनता नहीं, अब आप आए। और रूप में आपने बड़ा मनभावन धारण किया, मन को मोहने वाला, सही सच्ची बात है। महापुरुषों की वाणी को सुने तो खिंचाव हो जाता है, चिंता होता है, बड़ा कहते बड़ा मनमोहन। अब आप आए उसके बाद बोलो माए दाती तुम चरण निहारे भेद दे वो तुम अपने साथ। मैं दासी हूँ थोड़ा, जो मनुष्य शरीर में जो पूछ रही है तुम्हें दासी हूँ, तुम्हारे चरणों को ही निहारती रहती हूँ। आप कृपा करके दया करके अपना भेद दिए दिया, आप कौन है और कहां से आए और देश का नाम क्या है? और मैं देख रहा हूं कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमको क्यों इसमें डाला, क्यों काल के देश में छोड़ दिया? और इतने दुखी हमने पाए तब हमारी कोई सुनवाई नहीं, अब इतने दिन के बाद ये आप आए, तो हमको सब बताइए। आप जो जो हमने प्रश्न किया है उसका सबका उत्तर दीजिए। मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। क्यों? कि आपने मनभावन रूप मुझको दिखा दिया तो मैं मोहित हो गई। बोलो तब हंसता स्वामी बोले सुनो सूरत तुम माए कहूं खोले। अब बहुत प्रसन्न हुए इसके, इसको प्रसन्न ये प्रश्न करते बहुत खुश हुए, इसने प्रश्न किया कि अच्छा अब मैं तेरा सब भेद बताता हूं खोल करके। मैं बताता हूं कि बात क्या हुई, सब बताएंगे सब पैसे।